और स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश रीजन के कैंडिडेट एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड स्टेटस ऑनलाइन किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से मध्य प्रदेश के रीजन के कैंडिडेट देख सकते हैं कि उनका एसएससी एमटीएस का एग्जाम किस डेट में है, किस सिटी में है, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और अगर एक्सेप्ट हुआ है तो कब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। जुड़ना चाहते हैं ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिए एसएससी। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एडमिट कार्ड पे क्लिक करें। अब एडमिट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे मध्य प्रदेश रीजन का आ रहा है, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस स्लैश डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड अवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2020-21 टू बी हेल्ड फ्रॉम 5 जुलाई टू 26 जुलाई। तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज डेट ऑफ बर्थ डाल के इस पे बॉक्स पे क्लिक करके सर्च पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो जो आपने एसएससी एमडीएस का जो फॉर्म भरा था तो उस टाइम जो आपने ईमेल आईडी डाली थी तो उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा और उसमें सर्च कीजिएगा एसएससी स्पेस रजिस्ट्रेशन, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा एसएससी का रजिस्ट्रेशन। और अगर आप नहीं मिल पा रहा है आपको तो सिंपली यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। नाम फादर नेम के आप 4 डिजिट भी डाल सकते हो या कंप्लीट नाम फादर नेम डाल के डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के इस बॉक्स पे क्लिक करके सर्च पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका फोटो दिख जाएगा, यहाँ पे साइन दिख जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर, नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, किस डेट में आपका एग्जाम है वो दिख जाएगा, किस सिटी में है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, क्लोजिंग टाइम क्या है, एग्जाम किस टाइम से स्टार्ट है, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है, और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड हो सकता है तो इसका दे रखा है। तो यहाँ पे एग्जाम डेट आप देख सकते हो और यहाँ पे डे देख सकते हो किस दिन एग्जाम है। यहाँ पे आपको सिटी दिखा देगा कि किस सिटी में आपका एग्जाम है। रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे का है, इसमें जैसे हमारे अपने बात करें तो 11:30 से 12:30 बजे के बीच रिपोर्टिंग टाइम है। तो ये जो क्लोजिंग टाइम है इस डेट से यानी इस टाइम से पहले ही आप गेट में एंटर हो जाइएगा, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्लोजिंग टाइम उससे पहले ही आप एंटर हो जाइएगा, जो भी आपका टाइम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम टाइम आप देख सकते हो। यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करें तो जैसे हम आपने बात करें तो हमारा 22 जुलाई को एग्जाम है, तो जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले यानी 18 तारीख में डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। 18 में 19 में 20 में 21 में भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो 4 दिन पहले अवेलेबल हो जाता है। 3 दिन पहले भी आप डाउनलोड कर सकते हो, 2 दिन पहले भी कर सकते हो, 1 दिन पहले भी कर सकते हो, लेकिन 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा एडमिट कार्ड। तो ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इधर दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे दबा कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।